हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी तो जैसा आप जानते हैं हम लोग सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट फोर से हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए वहाँ नोट्स अवेलेबल है तो हम लोग आगे की कुछ ड्रग्स पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रग है इट्राकोना जोल सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इटराकोना जोल ये एक ट्रायाजोल एंटी फंगल एजेंट होता है जो कि वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है इसका भी काम वही है सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो हमारे फंगस का सेल वॉल होता है उसको बनाने के लिए एर्गोस्टेरॉल रिक्वायर्ड होता है और ये ड्रग जो है इसी एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है इस इनहिबिशन से सेल फूट जाता है और अल्टीमेटली जो फंगस का सेल है वो लीड्स टू डेथ ये ड्रग भी लीवर में मेटाबोलाइज होता है और अपने हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे डेरिवेटिव्स जो ओ एच OH ग्रुप को कैरी करते हैं सिमिलर स्टोरेज है वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट और इसको भी यूज़ किया जाता है ब्लैक्टोमाइसोसिस में इस्टोप्लाजमोसिस और ये एक, एक एंटी फंगल एजेंट है इसके एडवर्स इफेक्ट से रहे है हेड एक डिजीनेस रैशेज नोजिया वॉमिटिंग एक डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट है दैट इज ए हेयर लॉन्ग रंग हमारे सिलेबस में है फ्ल्यू कोनाजोल फ्ल्यू वर्ड आया है फ्लोरिन के लिए तो एक आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए कि ड्रग में फ्लोरीन प्रेजेंट होगा इसका और सिनोनेम है फ्लूकोज सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूकोनाजोल यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आप यहाँ पर रिंग देख सकते हैं किस चीज की है ट्रायाजोल वाली तीन एन वाली रिंग है ना तो वो भी आप एक पॉइंट अपना ऐड कर सकते हैं दैट इट इज़ अ ट्रायाजोल डेरीवेटिव इसका नाम है टू फॉर डाई देखिए डाई और फोर पोजीशन पर one, three, die, है ना? ये triazol, YL, ये YL, और propane -ol, ये propane -ol, और ये और और एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन तो प्रोपेन टू ओल इसके बाद ये एक वाइट हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर है स्लाइटली सॉल्यूबल होता है वाटर में मिथेनॉल में और एसीटोन में इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये अगेन जो है वो फंगी स्टैटिक काम करता है ठीक है फंगी साइडल नहीं है फंगी स्टैटिक है ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है पर बहुत थोड़ा इसका काम कैसा है कि अल्फ़ा 14 अल्फा डी मिथाइलेशन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है इस इनहिबिशन से जो फंगस है उसके सेल के पास स्टेरॉल की कमी हो जाती है नॉर्मल से कम हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर एक फंगी स्टैटिक एक्टिविटी हो जाती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है नॉर्मल से कम स्टेरॉल मिल रहा है पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है नॉर्मल से कम मिल रहा है तो ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी ग्रोथ रुक जाएगी तो ये फंगी स्टैटिक एक्टिविटी की तरह बिहेव करेगा इसका भी यूज वही स्टोरेज है वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट यूज है एंटी फंगल एजेंट रिंग वॉर्म इन्फेक्शन अगर हैंड्स पे पर्टिकुलरली फंगस से होने वाला निमोनिया या तो फिर वल्वोवेजाइनल कैंडियासिस में ये यूज होता है एडवर्स इफेक्ट्स है रैसेज हेडेक, डिजीनेस नोजिया वॉमिटिंग एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और फैटिक हर वक्त थकान लगना नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है नेफ्टीटाइन। इसका और एक सिनोनेम है नेफ्टीटाइन हाइड्रोक्लोराइड और नेबिटीन। नेफ्टीटीन हाइड्रोक्लोराइड बोल रहा है मतलब हम लोग इसका डॉट एच सी एल वाला सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसा डॉट एच सी एल वाला सॉल्ट हम इसका बना सकते हैं सी दिस इज द स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखिए नेफ तो अपन समझ लेते हैं नैपथिलन होगा तो नेपथलिन की ये दो वाली रिंग दिस इज फॉर नेपथथलिन है ना? इसके बाद इसके साथ में एक वाई एल लगा है एन उससे मिथाइल लगा है ये वाला फीनाइल हो गया इसके बाद में एन को अपन ने अमीन से दिखा दिया और इसके बाद में एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन की चेन है तो प्रॉप हो गई और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो इन हो गया ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है सॉल्युबल है वाटर में सिंथेटिक कंपाउंड है इसका जो ट्रीटमेंट है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसके बाद ये एक अलाइल अमीन डेरीवेटिव है और एक एंटीफंगल प्रॉपर्टीज रखता ही है है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार का है तो इसका भी काम है कि ये स्टेरॉल का जो बायोसिंथेसिस है उसको इनहिबिट करे लेकिन इस इनिबिशन में एंजाइम दूसरा होता है अभी तक हम 14 अल्फा मिथाई डी एंजाइम यूज कर रहे थे यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है दैट इज सिक्वेल टू थ्री इपोक्सीडेज इस एंजाइम को इनहिबिट करने से जो स्टेरॉल है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है जब यह क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो सेल का जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है क्योंकि सेक्विलिन का डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन सेल में बढ़ जाता है इससे जो सेल है फंगस की वो ग्रो होना कम हो जाती है फंगी स्टैटिक की तरह ये भी काम करता है इसका भी मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है सिमिलर वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर्स का स्टोरेज है इसका भी ट्रीटमेंट टाइनी पैडिसिस टाइनी क्यूरासिस टाइनोकॉर्पोसिस एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी फंगल एजेंट्स की तरह यूज होता है इसके एडवर्स इफेक्ट में हेड डिजीनेस, बर्निंग सेंसेशन रेडनेस और जिस साइट पे अप्लाई किया जाए मतलब एप्लीकेशन साइट पर इरिटेशन फील होगा ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है टोलना फेटेड टोलना फेटेड जो है उसके ऊपर सिलेबस में एक एस्ट्रक मार्क है डेट मीन्स हमको इसका सिंथेसिस भी करना है सी यहाँ पर भी दो रिंग्स हैं मतलब नेपथाइल के लिए हो गया है ना तो ये एक चीज हो गई दूसरी आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ सल्फर है तो थायोवर्ड होगा ही होगा है ना तो इस प्रकार से इसका नाम बन जाएगा ये एक वाइट या येलोइश व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है इनसॉल्यूबल है वाटर में सॉल्यूबल है एसीटोन में स्लाइटली सोल्यूबल है अल्कोहल में ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि ओटीसी है मतलब ओवर द काउंटर ड्रग है यानी कि नॉर्मली ओवर द काउंटर मिल जाएगा मेडिकल स्टोर में एंटी फंगल है और इसको प्रफरेबली टॉपिकल रूट से ही दिया जाता है यहाँ पर जो इनहिबिशन होता है मैकेजम ऑफ एक्शन के लिए वो अगेन सेक्वेलिन टू थ्री ईपॉक्सीडेज एंजाइम का है ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है एर्गो इस्टेरॉल के बायोसिंथेसिस में अब जब ये एंजाइम का इनहिबिशन हो जाएगा तो सेक्विल Lute हो जाएगा डिपॉजिट हो जाएगा इससे एर्गोस्टेरॉल की डेफिशिएंसी हो जाएगी जब एर्गोस्टेरॉल नहीं मिलेगा तो सेल टूट जाएगी और जब सेल टूट जाएगी अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ इसका भी मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है इसके बाद में इसका स्टोरेज सिमिलर है वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इसके बाद इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ फंगल स्किन इन्फेक्शन जैसे कि जोकिच एथलीट फूट रिंग वॉर्म एंटी फंगल है ये अगर कोई फंगल इन्फेक्शन नेल्स पे स्कैल पे पाम पे या सोल पे तो हुआ है तो इन सब के एंटी फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में ये यूज़ होता है इसमें एडवर्स इफेक्ट ऐसी होती है कि हल्की फुल्की सी इचिंग होगी जिस एरिया में लगाएंगे पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एरिया ड्राइनेस हो जाएगा जिस स्किन पर ट्रीटमेंट किया गया है उसकी पीलिंग टाइप की गिरेगी उसका छिलका टाइप का गिरेगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है और फेस का कुछ रीजन लिप्स टंग्स इसमें हल्की सी स्वेलिंग ऑब्जर्व की जा सकती है इसका सिंथेसिस देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे लिए इसमें इनिशियल मटेरियल होता है टू मतलब नेपथलीन रिंग जिसके सेकेंड पोजिशन पर ओ एच OH ग्रुप लगा है यहाँ पर हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे थायोफोसजीन से ये ओ OH एच में से एच और थायोफोसजीन में से सी एल तो मिल गया एच सी एल ओ के पास जो बॉन्ड खाली हुआ है वहां पर कार्बन अटैच हो जाएगा कैरिंग सल्फर एंड दूसरा सी एल नाउ हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे एन मिथाइल थ्री टाउलीडीन के साथ में सी यहाँ पर जो एन है वो एक बॉन्ड पर मिथाइल को रखा है और एक पर टॉलीडीन को रखा है लेकिन एक जगह पर हाइड्रोजन है तो दूसरा सी एल विथ दिस एच अगेन एच रिमूव हो जाएगा कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ प्लस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हुआ तो ये नाइट्रोजन दिस वन सी एच थ्री और फिर ये हमारा टाउलीटीन का रिंग इस प्रकार से हमको ड्रग मिलता है टॉलना फेटेट तो ये था स्टूडेंट्स सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं टिल देन थैंक यू सो मच